हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर एग्ज़ाम में। आज मैं आप लोगों के लिए जीके के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से आग्रह है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बगल में बनने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि अगले आने वाले वीडियो का इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब होगा क्रेटर। ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं? फ्रेंड्स, क्रेटर इसका जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा राज्य भारत का सबसे अधिक प्राकृतिक रबर का उत्पादक है? कौन सा राज्य भारत का सबसे अधिक प्राकृतिक रबर का उत्पादक है? तो फ्रेंड्स, इसका जवाब सही जवाब होगा केरल। आप लोग याद कर सकते हैं, रबर का सर्वाधिक उत्पादक राज्य केरल है। चलिए फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो फ्रेंड्स, इसका जवाब होगा मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स है, जो कान में पाई जाती है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, जो जांघ की हड्डी है। तो फ्रेंड्स, इसका जवाब है मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स, जो कान में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक निम्न में पाई जाती है? ज्वालामुखी की सक्रियता फ्रेंड्स जापान में अधिक पाई जाती है, इससे आप याद रख सकते हैं, ज्वालामुखी की सक्रियता जापान में अधिक पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के तट पर स्थित है? स्टील सिटी राउरकेला ब्राह्मणी नदी के तट पर स्थित है, इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं, जो उड़ीसा राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य है? फ्रेंड्स, भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य राजस्थान है, इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। विस्तृतली जस्ता में जा रहा है, राजस्थान में भी जा रहा है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस खनिज के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर नहीं है? तो फ्रेंड्स, इसका जवाब होगा तांबा के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर नहीं है, तो इसका जवाब तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? निम्न में से किस राज्य के जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो फ्रेंड्स, इसका जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। फ्रेंड, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, जिसका जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और फ्रेंड्स, टोटल भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत का सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो फ्रेंड्स, इसका जवाब होगा भारत का सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य उड़ीसा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? फ्रेंड्स, आप सभी को पता होना चाहिए, झरिया कोयला क्षेत्र धनबाद, झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चंद्रमा के लिए प्लायन वेग का मान कितना होता है? फ्रेंड्स, आप लोगों को पृथ्वी का पता होगा, लेकिन चंद्रमा के लिए प्लायन वेग का मान 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी का प्लायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, और सूर्य के लिए प्लायन वेग का मान 42 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। चलिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका जवाब है सर्वाधिक पशुधन उत्तर प्रदेश राज्य में पाया जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व वन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। इस तरह से याद रख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था? भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का उत्पादन प्रारंभ किया गया था डिगबोई, असम के डिगबोई में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है फ्रेंड्स इसका जवाब होगा चमड़ा, स्किन। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, और ऐसे पूछेगा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, अंग का नाम तो चमड़ा अर्थात स्किन होगा, और ग्रंथि में यकृत बी नंबर। चलिए फ्रेंड्स तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस शहर को मोतियों का शहर कहा जाता है? यह क्वेश्चन फ्रेंड्स ग्रुप डी में भी पूछा था, तो देखते हैं। मोतियों का शहर बोला जाता है हैदराबाद को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसरा में पहली जूट मिल की स्थापना कहाँ में हुई थी? तो फ्रेंड्स इसका मैं बता दूं, रिसरा में पहली जूट मिल की स्थापना कोलकाता, रिसरा जो कोलकाता में पड़ता है वहाँ हुई थी 1859 ईस्वी में। फ्रेंड्स आप लोग याद रख सकते हैं 1859 ईस्वी में डिसरा में जूट मिल की स्थापना हुई थी पहली बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में से कौन सा जीव मत्स्य वर्ग से संबंधित है? तो फ्रेंड्स इसका जवाब होगा डॉग फिश आता है मत्स्य की श्रेणी में, बाकी सभी मत्स्य की श्रेणी में नहीं आते हैं, सिर्फ डॉग फिश इन चार ऑप्शन में से मत्स्य की श्रेणी में आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लिंगानुपात कैसे परिकलित किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा प्रति 1,000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या, प्रति 1,000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या से ही हम लोग लिंगानुपात निर्धारित करते हैं। अभी फिलहाल केरल राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है और हरियाणा राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। फ्रेंड्स आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाला ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो फ्रेंड प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाला ऑक्सीजन का स्रोत जल है, जल का ऑक्सीडेशन से ही अर्थात ऑक्सीकरण से ही ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाला ऑक्सीजन का स्रोत जल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है? सॉरी यहाँ उपधातु होना चाहिए था। देखिए निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? तो इसका सही जवाब होगा जर्मेनियम, जो एक उपधातु है। जर्मेनियम का संकेत जी होता है, इसका परमाणु क्रमांक 32 होता है, तो ट्रांजिस्टर में उपधातु जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण है? परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण फ्रेंड्स होता है इलेक्ट्रॉन, जिसका द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻³¹ kg होता है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.672 × 10⁻²⁷ kg होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान। और फ्रेंड्स न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.675 × 10⁻²⁷ kg होता है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। तो इस तरह से आप लोग याद रखते हैं इन सभी तीनों मौलिक कणों में से सबसे हल्का कण होता है इलेक्ट्रॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर देखते हैं। डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? डॉल्फिन फ्रेंड्स होता है स्तनधारी वर्ग का उदाहरण होता है, यह स्तनधारी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग है फ्रेंड्स इसका होता है, जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग होता है अर्थोपोडा, जिसके अंतर्गत सभी कीट आते हैं।
तो जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग है अर्थोपोडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं? तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि भारत के दक्षिणी पूर्वी भाग में, दक्षिण पूर्व में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं। यहाँ खनिज दक्षिण पूर्व भाग में पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। हैजा का टीका का खोज किसने की थी? तो फ्रेंड्स इसको मैं बता दूं कि हैजा के टीका का खोज रॉबर्ट कोच ने किया था। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि चेचक का टीका का खोज किया था जेनर ने। चेचक जेनर, तीन अक्षर का है, याद कर सकते हैं इस विटिकली, चेचक जेनर, रॉबर्ट जेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मलेरिया रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग है? तो फ्रेंड्स इसका जवाब, सही जवाब होगा, मलेरिया रोग में प्रभावित होने वाला शरीर का भाग होता है प्लीहा, जिसको तिल्ली या स्प्लीन, इंग्लिश में स्प्लीन बोला जाता है। मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है फ्रेंड्स, वह प्रोटोजोआ है जिसके कारण मलेरिया होती है। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया रोग होता है। तो फ्रेंड्स याद रखते हैं, मलेरिया द्वारा शरीर का प्रभावित होने वाला अंग है प्लीहा। निम्न में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि एंथ्रासाइट कोयला का सबसे बढ़िया किस्म है। और फ्रेंड्स भूरा कोयला लिग्नाइट को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा, संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी किलामू है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि कोटोपैक्सी सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत है। विश्व में सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी है। संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी किलामू है, किलामू ज्वालामुखी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो टिबिया नामक हड्डी पैर में पाई जाती है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो फ्रेंड्स आपको यह वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक